बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने बायो 101 का लेक्चर नंबर 39 करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 124 से लेके 127 तक करेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा ना वो हमारा बस लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग 128 से 130 तक टॉपिक्स अपने कम्प्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस ये कम्प्लीट करने के बाद आपने अपनी रिविज़न कर देनी है स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है कि बायो का जो पेपर होता है ना उसमें मिड टर्म का भी पोर्शन साथ में ऐड करते हैं, छोटे से होते लेक्चर्स होते हैं इसके, तो आपने सारे लेक्चर्स अगेन दोबारा से देख लेने हैं और आप लोगों को इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे, प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वो वाले प्लांट्स जिन पे फूल बनते हैं ना, वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो फूल होते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन जो होता है ये मेल पार्ट होता है, और जो कार्पेल होती है ना ये फीमेल पार्ट होता है। अब फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें जो गैमीट्स, जो फ्लावर्स होते हैं ना, इनमें जो गैमीट्स की तरह पोलन ग्रेन्स ही एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन इनकी ऐसे होती है पॉलिनेशन के थ्रू होती है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो स्टेमन होता है ना मेल पार्ट, इसके अंदर पाए जाते हैं एंथर्स। एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो पोलन ग्रेन्स फिर कहाँ जाते हैं, कार्पेल के ऊपर जाते हैं, फीमेल पार्ट के ऊपर। कार्पेल से वो होते होते ओवरी में जाते हैं, और वहाँ पर फिर जाके सीड बनता है, जायगॉट और एम्ब्रियो वगैरह जो कुछ भी है वो वहीं पर बनता है। पॉलिनेशन दो तरह से होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। अब फ्रूट और सीड बनता कैसे है? सीड बनता है जायगॉट से, यानी कि जब पोलन ग्रेन जाता है ना ओवरी के अंदर, फिर जायगॉट बन जाता है, वहाँ से बनता है सीड। सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सीड के अंदर एक तो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है फूड। जब सीड्स बन जाते हैं तो ओवरी की जो वॉल होती है सारी वो सख्त हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, और इससे फ्रूट की वॉल बन जाती है। और इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ये फ्लावर्स की तरह के जो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स वगैरह, वो सारे झड़ जाते हैं, और जो पकी हुई ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला शॉर्ट के हिसाब से। आगे हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होती है। एनिमल्स में होती है गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म्स और ओवम आपस में फर्टिलाइज होते हैं। गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, जिसमें मियोसिस हमें पता है क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, हैप्लोइड क्रोमोसोम्स बनते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब मेल्स और फीमेल्स जो होती हैं ना, इनके अंदर सिर्फ एक ही पेयर पाया जाता है क्रोमोसोम्स का, जो कि डिफरेंट होता है। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं ना उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। मेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम डिफरेंट होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम, फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है पेयर पाया जाता है, और जो मेल उनके अंदर एक्स वाई पेयर पाया जाता है। फ्रॉग्स के अंदर कैसे होती है रिप्रोडक्शन? फ्रॉग्स अपनी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो पहले ओवम जनरेट करती है पानी में, और उधर से जो मेल होते हैं ना वो अपने स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं। तो फिर इस तरह से पानी के अंदर ही ओवा और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं, वो जायगॉट बनाते हैं, फिर जायगॉट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, उसके बाद लार्वा में डिवेलप हो जाता है, पानी में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस एक होती है, इनका प्रोसेस होता है जिससे एक बड़ा फ्रॉग डेवलप हो जाता है। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉग का भी ना शॉर्ट के हिसाब से। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है रिप्रोडक्शन? ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस भी सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स जो है फर्टिलाइज होते हैं, स्पर्म्स एंड ओवा। गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मेल और फीमेल में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज और ओवरीज के थ्रू। मेल में टेस्टीज में बनते हैं गैमीट्स, और जो फीमेल होती है उसमें ओवरीज में जो है ना वो गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स होते हैं ना, इनके हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल और फीमेल के जो 22 पेयर्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है मेल और फीमेल का वो डिफरेंट होता है। फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनके गैमीट में, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके गैमीट में या एक्स होगा या वाई होगा। अब बच्चे की क्या जेंडर होगी ये डिटरमिन करता है कि मेल की तरफ से कौन सा स्पर्म आया है, क्योंकि फीमेल हमेशा एक्स गैमीट ही कंट्रीब्यूट करती है। अगर मेल गैमीट वाई था तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक्स वाई वाला, और इस तरह से मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर इनका जो है वो एक्स होता है, ठीक है,
अगर इसके अलावा अगर स्पैम अगर जो स्पर्म होते हैं वो एक्स गेमीट अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक्स एक्स का बनेगा और इस तरह से फीमेल चाइल्ड जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, या आप लोगों के लॉ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आप लोगों से पूछते हैं ना तो इसमें आगे ये जो प्रोसेस भी है स्पर्म्स बनने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना उसमें गोनेड्स के एक पेयर पाए जाते हैं, यानी कि जो टेस्टीज होते हैं, एक तो टेस्टीज पाए जाते हैं और दूसरा एक पूरा सिस्टम पाया जाता है ट्यूब्स का, जो कि टेस्टीज के साथ जुड़ी हुई जितनी भी ट्यूब्स नालियाँ वगैरह होती हैं वो सारा। टेस्टिस जो होते हैं ना ये पेयर की फॉर्म में होती हैं और टेस्टिस में ही स्पर्म्स बनते हैं। ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी पाई जाती हैं और एक सैक में मौजूद होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। अब जो टेस्टिस होती हैं इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, फिर वो स्पर्म्स मेन डक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस मेन डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैस डेफरेंस बोलते हैं। वैस डेफरेंस के अंदर एक कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, बहुत सारी डक्ट्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग एपिडाइडमस बोलते हैं। एपिडाइडमस क्या करती हैं, उन स्पर्म्स को आगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में पास ऑन कर देती हैं और वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। टेस्टिस में ट्यूब्यूल्स का पूरा एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अच्छा, स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बनता कैसे है, स्पर्म्स बनते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों के लॉ के हिसाब से। सबसे पहले क्या होता है कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है ना उनके अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है, ठीक है, एपिथीलियम सेल्स जो होते हैं वो एक सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में और वो डिप्लॉयड होते हैं। अब क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं तो यहाँ पे होती है मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होती है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉयड नंबर में होते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होकर 4 हैप्लॉयड सेल्स बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, इसकी शेप में चेंजेस आती हैं और फिर स्पर्म्स बन जाते हैं। टेस्टिस जो होती हैं ना इनके अंदर एक बड़े सेल्स पाए जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जिसको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं कि जब स्पर्म बन जाते हैं ना तो उसको नरिश करना, उसको सपोर्ट करना, ये सर्टोली सेल्स का काम होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का पेयर पाया जाता है, मेल में क्या था, टेस्टिस का पेयर था। इनमें क्या होता है, ओवरीज का पेयर होता है और साथ में जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं पूरा एक सिस्टम वो पाया जाता है। ओवरीज का जो पेयर होता है ना, वैसे तो हमने ये देखा था ना कि मेल के अंदर जो पेयर होता है टेस्टिस का वो आउटसाइड द बॉडी होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जो ओवरीज का जो पेयर होता है ये इनसाइड द बॉडी कैविटी होता है जो कि ओवा प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ओवरीज होती हैं ये क्या होती हैं कि ओवरीज के अंदर ट्यूब्स लगी हुई होती हैं आगे, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट्स। इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओवरीज जो होती हैं उनके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम लोग ओविडक्ट्स भी बोलते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। अब ये जो ओविडक्ट होते हैं ना ये यूट्रस में ओपन होते हैं, ठीक है, यूट्रस बोलते हैं यहाँ के जहाँ पे पूरी एक जो प्लेस होती है जहाँ पे बेबी बनता है। जब अब ओवम जो होता है ना ओविडक्ट में फर्टिलाइज होता है, यानी कि ओवरीज जो होती हैं वो ओवम बनाती हैं। ओवम कहाँ जाती है, ओविडक्ट में जाती है। उधर से मेल के जो गैमेट्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स वो भी आते हैं ओविडक्ट में। ओविडक्ट में ओवम और जो स्पर्म्स होते हैं ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद यूट्रस में पास ऑन हो जाते हैं। फिर जब यूट्रस में चले जाते हैं फर्टिलाइज हो के तो उधर फिर प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होता है। प्लेसेंटा क्या होता है कि यूट्रीन जो होता है ना यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी वॉल्स के दरमियान यूट्रीन और जो फीटल टिश्यूज होता है यानी कि जो बेबी होता है उसमें एक आपने देखो कि नाली सी जो है ना वो बन जाती है ताकि मटेरियल्स एक्सचेंज हो बेबी तक। तो यूट्रस उधर से जो दूसरा जो यूट्रस होता है ना वो वैजिना के साथ भी कनेक्टेड होता है थ्रू द कर्वेक्स। अच्छा, ओवरीज का क्या काम होता है, ओवरीज का काम होता है ओवा प्रोड्यूस करना और फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो जर्म सेल्स होते हैं ना हर ओवरी में ये बहुत सारे सेल्स बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओगोनिया। अब ये जो प्रोसेस होता है ना फीमेल के सेल्स बनने का इसको हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। अब ये वाला प्रोसेस कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओगोनिया जो होता है सबसे पहले प्राइमरी ओसाइट बनाता है माइटोसिस के थ्रू जो कि डिप्लॉयड नंबर में होता है।
अब ये जो प्राइमरी ओसाइट होता है ना, ये क्योंकि डिप्लॉयड होता है, यहाँ पे होती है मियोसिस और सेकेंडरी ओसाइट बनती है और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉयड होती है, साथ में पोलर बॉडी बनती है। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट होती है ना, इसमें मज़ीद फिर से डिवीजन होती है, डिवीजन हो के यहाँ पे वन ओवम और एक और पोलर बॉडी बनती है, और इधर से ये जो पोलर बॉडी होती है ना, ये डिवाइड होकर दो और पोलर बॉडीज बनाती है। तो टोटल पोलर बॉडीज कितनी हो गई, तीन, और साथ में एक क्या बना, ओवम। तो इसीलिए जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, इससे वन ओवम और थ्री पोलर बॉडीज बनती हैं। अब जो ओवरी होती है ना, ये सिर्फ एक ही ओवम रिलीज करती है ओविडक में एट अ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा अगर ओवरी एक से ज़्यादा अगर ओवम रिलीज हो जाए, तो इसकी वजह से फेटरनेटल जो है ना वो ट्विन्स होते हैं, जो कि नॉन आइडेंटिकल होते हैं। आगे जो है ना, यहाँ इन्होंने बताया है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, जैसे आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो डिमांड्स और प्रॉब्लम्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट नेचर के फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज भी एक्सप्लोर की हैं, ताकि जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो इस काबिल बना सके कि लोगों की डिमांड्स को हम पूरा कर सकें और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। एक जो टेक्निक है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और पूरे सिस्टम्स को ऐसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करना, ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सके, ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। टर्म बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले 1970 में यूज़ हुआ था। इसमें और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद फर्मेंटेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो आपको जीन यूज़फुल लग रहा होता है ना, वो वाला जीन आप लोग एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है वो होता है ट्रांसजेनिक, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वैक्टर्स और एंजाइम्स की मदद से किया जाता है। वैक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक जीन जब निकाली जाती है ना, तो उसके चाहिए होते हैं कि आप लोग उसको किसी और चीज़ के अंदर इंसर्ट करके दूसरी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएं। जो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया जाता है, उसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में आपने ये वाला डालना हो ना अपनी मर्जी का जीन, वो वाला बैक्टीरियल प्लाज्मिड आप लोग उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और जो एंजाइम यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है ना, अब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी इस तरह से बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बनाए जाते हैं, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, वो होता है ई कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई भी हम लोग इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसकी बहुत जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं। इसको ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि डिजीज़ ये काज नहीं करता। ये ग्रास की कैटेगरी में हम लोग इसको करने, ग्रास का मतलब होता है GRAS, जनरली रिकॉर्डेड एज सेफ, यानी कि वो वाले बैक्टीरिया जिनको सेफ कहा गया है, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज़ नहीं काज करते, तो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में ये जो एस्कर्शिया कोलाई है, इसको एसिड्स और अल्कोहल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, शुगर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, उनके लिए जो इंसुलिन बनती है उसमें भी एस्कर्शिया कोलाई को यूज़ किया जाता है। वो बच्चे जिनका कद छोटा होता है, ड्वार्फ चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया जाता है, उसके लिए वो हार्मोन बनाने के लिए भी एस्कर्शिया कोलाई को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, दही बनाने के लिए, चीज़ यानी कि पनीर बनाने के लिए, सोर क्रीम्स वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, ब्रेड को जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग जीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, इसमें भी हम लोग जीस्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और जीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना हो, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हो, ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करना हो, न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट करना हो, वहाँ पर भी हम लोग जीस्ट और मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया और एल्जी बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने में भी बहुत हमें हेल्पफुल साबित हुए हैं, इससे बायोगैस और बायोडीजल बनाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे प्लांट्स जिसमें आप लोग अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज हासिल कर सकते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे प्लांट्स जिन पर वायरसेस अटैक ना कर सकें, उनको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कपास, ये वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप है, इसमें वायरस नहीं अटैक कर सकते। इसी तरह से
अब ऐसी मकई है, ट्रांसजेनिक मकई बनाई गई है, ट्रांसजेनिक सीड्स हैं एक, उनसे जब वो मकई बनती है ना तो उस पर कोई भी कीड़ा असर नहीं कर सकता, इंसेक्ट्स उस पर जो है ना वो हमला नहीं कर सकते। बनाना को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है जेनेटिकली, और ऐसी क्रॉप्स भी बनाई गई है जो कि पेस्टिसाइड उन पर असर नहीं करती। अब ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फूड क्रॉप्स को पहले मॉडिफाई जब किया जाता है ना, उसको अच्छे तरीके से उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, ताकि वो कोई हार्मफुल करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ना पाए जाएँ। ट्रांसजेनिक सीड्स बनाए जाते हैं पहले, और फिर वो वाले सीड्स सेल करने से पहले, मार्केट में भेजने से पहले, उनको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है कि ये सेफ है या नहीं है। इस सारे टेस्टिंग के प्रोसेस को हम लोग बायो सेफ्टी बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स है कि एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस करवा के। इंसानों की ह्यूमन डिजीजेस का एक मॉडल बनाने के लिए चूहों के ऊपर इसी तरह से रिसर्च वगैरह की गई है, और 20 रैट्स बनाए गए हैं, डायबिटिक माइस यानी कि ऐसी चूहिया जिसको शुगर हो, ये बनाए गए हैं। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं ताकि दूध ज़्यादा ये दे सकें, और मुख्तलिफ फार्म्स में एनिमल्स को मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली ताकि एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस कर सकें, उससे फिर वैक्सीन बनाई जाती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको मॉडिफाई किया गया कि अच्छा खाना हम लोग उनसे हासिल कर सकें, अपनी मर्ज़ी का हम लोग जीन जो होता है वो उनके अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, ताकि जितने भी हार्मफुल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ना डिवेलप हो सकें। इस पर्पज़ के लिए जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट होता है ना, जो कि आगे इंटर करवाना होता है एनिमल्स के अंदर, उसको पहले मार्केट में सेल करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, इसको हम लोग बायो सेफ्टी बोलते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि बगैर ऑक्सीजन के एनएरोबिक तरीके से, एनएरोबिक पाथवे को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को प्रोड्यूस करना। फर्मेंटेशन में यही होता है कि आप लोग कोई, जैसे हम लोग दही बनाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही, एक चम्मच दही डाल के हम लोग उसको रख देते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर एनएरोबिक सारे जो है ना वो रिएक्शंस होते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि दही बन जाती है, ये होती है फर्मेंटेशन। इससे हम लोग बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट्स कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को मैस कल्चर की फॉर्म में, बड़ी बड़ी वेसल्स में, बड़े बड़े फर्मेंटर्स और बायो रिएक्टर्स में प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं, इस तरीके से बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं, एसिड्स, अल्कोहल, शुगर, चीज़, सोर क्रीम्स, ब्रेड, वाइन, बियर, ये सारे प्रोडक्ट्स इससे फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। इसमें ये होता है कि फर्मेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े यूँ समझ लें कि बर्तन होते हैं जिसमें वो रिएक्शन करवाते हैं, उसमें जो चीज़ बनानी हो ना सारे केमिकल्स वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो डालते हैं, और इस तरह से फिर जो है ना हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा ना वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला जो लेक्चर है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फर्मेंटेशन, पाथवेज, ट्रांसजेनिक प्लांट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये एस्कर्शिया कोलाई की जो यूजेस है ना, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी ये मैं ऊपर वाले आप लोगों को मैं सारे बता चुकी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के पेरेंट्स को भी खुशियाँ अता फरमाएँ, आपको भी खुशियाँ अता फरमाएँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियों से नवाजें। जाहिर है मैंने भी मेहनत की है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो दुआ दिल से निकलती है कि जब बच्चे इतनी मेहनत करें तो उनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ ज़रूर दें, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।